नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज है 7 नवंबर, शनिवार का दिन है। आज मैं आपको एक ऐसा जबरदस्त उपाय बताने के लिए जा रही हूँ, ऐसा जबरदस्त उपाय, क्योंकि आज पुष्य नक्षत्र और शनिवार का दिन बहुत ही बढ़िया योग बने हुए हैं इस दिन। यदि ये उपाय जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ दोस्तों, आप जिंदगी भर याद करेंगे, जिंदगी भर जब तक जिएंगे तब तक याद करेंगे कि हाँ, कोई ऐसी क्रिया आपने की थी जिस क्रिया ने आपकी जिंदगी को बदल दिया, आपकी जिंदगी में बाहर आ गई। दरिद्रता आपके घर की तरफ मुड़ करके नहीं देखेगी, गरीबी आपके घर से कोसों दूर निकल जाएगी, धनपतियों के नाम में आपका नाम ऐड हो जाएगा यदि ये क्रिया आपने कर ली बिल्कुल सही ढंग से। यदि सही चीज आपके हाथ में आ गई या आपके पास पहले से मौजूद है, मैं काफी अपने कमेंट बॉक्स में देख रही हूँ, काफी कमेंट्स आ रही है कि हमारे पास ये चीज मौजूद है। इसके लिए इस वीडियो को मैंने इस समय अपलोड करना जरूरी समझा कि जिनके पास भी ये चीज है वे इस उपाय को कर ले, ठीक है। तो दोस्तों, आपको जैसे काफ़ी लोग कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि उनके पास उल्लू का पंख अवेलेबल है, उल्लू का पंजा अवेलेबल है, उल्लू की चोंच अवेलेबल है। तो यदि आपके पास इसमें से कोई भी चीज़ अवेलेबल है तो मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना। लेकिन मैं पहले बता दूं इस चीज़ को कि मेरा मकसद किसी भी पक्षी को, किसी भी पशु को परेशान करना नहीं है, उसकी हत्या करना नहीं है। यदि कहीं से आपको कोई मिल जाता है, कहीं उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है और आपको ये चीज मिल जाती है, क्योंकि इस टाइप की वीडियो मैंने लगभग नहीं कर दी है बनाना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी भी बर्ड को, किसी भी जीव को आप परेशान करें। लेकिन यदि आपके पास अवेलेबल है, पहले से कहीं पड़ा हुआ मिल जा रहा है, तो आप इस क्रिया को करके देख लें। इवन इस बार यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कभी भी पुष्य नक्षत्र पड़ता है तब आप इस क्रिया को कर ले, जब भी आपके लिए पॉसिबल हो तब आप इसको कर ले। लेकिन मैं आपको लिख करके देती हूँ दोस्तों, गारंटी देती हूँ आपकी लाइफ बदल जाएगी, ठीक है। तो आपको उल्लू की चोंच लेनी है, यदि आपके पास है तो भी ठीक है, नहीं है आपको इसे अरेंज कर पाते हैं तो भी आप ले लें। आपको उल्लू की चोंच को पेठे के रस में, पेठे की जो चाशनी होती है उसमें आपको डुबो देना है, ठीक है। उल्लू की चोंच को आपको पेठे के रस में डुबो देना है, डुबो करके आप उसको निकाल लें, निकाल करके आप उसको थोड़ी देर के लिए धूप में रख दें। जब आप धूप में रखते हैं वहीं पर बैठ जाए थोड़ी देर के लिए, वो बराबर जब सूख जाए तो आप उसे उठा करके ले आए, ठीक है। क्या करना है, जब वो सूख जाए तब आपको उस उल्लू की चोंच को उठा करके ले आना है। ला करके आपको उसमें गूगल की धुनी दे देना है, गूगल का धूप जलाना है, गूगल बिल्कुल प्योर रखना दोस्तों, गूगल में भेड़छाड़ बिल्कुल भी ना हो, शुद्ध बिल्कुल गूगल आपको जला देना है। गूगल से जो धुआं निकलता है उस धुआं की आप उसको सिर्फ धुनी दिखा दें, मतलब कि धूप लगा दें, जरा सा धुआं उसमें आप लगा दें बस। और इस चोंच को दोस्तों आपको, आप चांदी की डिबिया में या जो भी डिबिया आपके पास अवेलेबल हो उसके अंदर आप इसको पैक करके अपनी तिजोरी में रख दें। यदि आप अपने पर्स में भी रखते हैं तो भी आपकी किस्मत को आगे बढ़ने से, आपको अरबोंपति बनने से, करोड़ोंपति बनने से कोई रोक नहीं सकता। लक्ष्मी आपके पास बहाने मार कर आने लग जाएगी, धन का आपके पास अटंग लगेगा यदि ये उपाय आपने कर लिया। घर में रखने के लिए तिजोरी में मैं इसलिए ज़्यादा प्रेफर करूँगी क्योंकि कीमती बहुत चीज़ है, यदि कहीं खो गई तो आप बाद में पछताएंगे, तो ये बेहतर होगा आप इसे अपने पास रखने से अच्छा होगा घर की तिजोरी में रखें। रिजल्ट दोस्तों इतना बढ़िया आएगा, वैसे भी उल्लू की चोंच ढेरों तंत्र मंत्र में इसका यूज़ होता है, उल्लू के पंजे, उल्लू की पंख, हर चीज़ मैंने ढेरों वीडियोज़ डाल रखी है अपने चैनल पर। यदि आपके पास कोई भी चीज़ अवेलेबल है तो आप पुष्य नक्षत्र में ये उपाय कर लें। जो सुहागिन औरतें हैं वे चाहते हैं उनके पति का वशीकरण करना, तो उल्लू की चोंच को अपनी सिंदूर में, जो सिंदूर लगाती हैं उस सिंदूर की डिबिया के अंदर चुपचाप रख दें, पति का जबरदस्त वशीकरण हो जाएगा, जबरदस्त वशीकरण होगा। तो बहुत ही साधारण उपाय है। फिर से रिपीट कर दूँ, पेठे के रस में आपको इसको डुबोना है,
डुबो करके आपको इसको धूप में सुखा लेना है। सुखा करके सिर्फ इसको लोभान का धूप लगा देना है, बस कोई तंत्र मंत्र करने की जरूरत नहीं है। ये करने के बाद गूगल के धूप में, सॉरी लोभान नहीं, गूगल का धूप आपको लेना है। गूगल के धूप का आपको, गूगल जला करके आपको उसका धूप दे देना है और बस इसको आपको रख लेना, या तो आप अपने पास रखें, अपने पर्स में रखें, या फिर आप इसको तिजोरी में रखें। ये एक अनमोल चीज है, जैसे बिल्ली की जेर जहाँ होती है वहाँ लक्ष्मी बहाने मार कर आती है, इसमें कोई दो मत नहीं। ये मेरा अपना अनुभव है दोस्तों, मेरा अपना अनुभव है। बिल्ली की जेर, बिल्ली हमारे घर में आई और उसकी जेर मुझे मिली थी, और जेर जब तक आपके पास रहेगी, मैंने एक वीडियो में उस जेर को दिखाया भी है, बिल्कुल ओरिजिनल जेर की, ये है बिल्ली की ओरिजिनल जेर, जो मैंने अपने हाथ से ले करके रखी हुई है। ऐसे ही यह है चोंच, जो भी मैं इस टाइप की वीडियोस बनाती हूँ दोस्तों, इसको आंखें बंद करके मान लेना और इस विधि को एक बार कर लेना। आप तो क्या है, आपका आने वाले जो आपके होंगे बच्चे, वे भी कभी दुखी नहीं रहेंगे जब तक ये चीज आपके परिवार में रहेगी। ठीक है, बहुत ही आसान उपाय है, कर लेने के लायक है, तो करते रहें, खुश रहें। ये सब कुछ करने में, समझने में कहीं कोई तकलीफ पड़ती है, कोई ऐसी बात हो जो आपके समझ में ना आती हो, तो पूछे अवश्य, करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।